अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट नौकरी आर पर। और देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं आज की 1 जून की जो खबर है वो आज लेकर आए हैं हम। तो इसमें हमने कई यूनिवर्सिटी कवर की हैं, जिन यूनिवर्सिटी से जो भी आज खबर बन रही है, जो भी खबर आई है प्रमोट को लेकर या पेपर को लेकर या परीक्षा कार्यक्रम को लेकर। ठीक है, तो आप बने रहें शुरू से लेकर एंड तक, तो थोड़ी वीडियो लंबी जा सकती है। और ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के लिए कि सर फैसला कब तक आएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो आपका तो है ही, साथ में जो विश्वविद्यालय हैं यूनिवर्सिटी हैं उनका भी कन्फ्यूजन ये बरकरार बना हुआ है। तो आप चिंता ना करें, तो सभी इससे परेशान हैं। तो इस हफ्ते में जो है ये फैसला आने वाला है फाइनल। हमने बताया था कि जून के पहले वीक में ये आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए आज जो खबर मिल रही है हमें। अब यहाँ पर अगर चैनल पर आप पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द और सुबह सबसे पहले आपको खबर इस पर मिल सके यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ देखिए, ये आज मेरठ यूनिवर्सिटी की है, उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी चलेंगे। आज से भरे जाएंगे सम सेमेस्टर की परीक्षा फार्म। आज से सेमेस्टर की परीक्षा फार्म भरे जाएंगे, सम सेमेस्टर की परीक्षा फार्म। और देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस सप्ताह होगा आधार पर पड़ी परीक्षाओं का फैसला। यहाँ देखिए, वार्षिक और विशेष सेमेस्टर की आधार पर पड़ी परीक्षाओं का इस सप्ताह फैसला हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय कुलपति की समिति से भी परीक्षा और प्रोन्नत को लेकर रिपोर्ट ले चुकी है और बीवी परीक्षा एवं प्रोन्नति को लेकर पूरी तरह तैयार है, यानी दोनों प्रकार से तैयार है, परीक्षा और प्रोन्नत को लेकर। ठीक है, और रिपोर्ट भी यहाँ पर आ चुकी है इनके पास। ये इनका कहना है कि रिपोर्ट ले चुकी हैं ये। ठीक, अब फाइनल निर्णय जो है, जो CM या जो मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उनका रहेगा। तो इस वजह से रुकी पड़ी है। ठीक है, वो एक दिन मीटिंग करेंगे, मीटिंग होने के बाद जो फाइनल इसका डिसीजन हो जाएगा। अब परीक्षा शुल्क न जमा करने की यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये खबर है इसकी। ठीक है, तो आपके मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं, परीक्षा कराई जाए तो फिर छात्र छात्राओं को उन्नत किया जाएगा। इस बार अब कोई निर्णय नहीं हुआ है, ऐसे में थोड़ा मतलब सबको टाइम लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए अगली यूनिवर्सिटी पर चलते हैं हम। देखिए, अब MJP यूनिवर्सिटी पर आ गए हैं। BB तीसरी बार तैयार करेगा परीक्षा कार्यक्रम, यानी कि 2 बार तो ऑलरेडी कर चुका है ये MJP यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए इनका जो मैथ बुक पॉइंट है, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का होगा आयोजन। इन्होंने कहा है रोहिलखंड के जो कुलपति हैं KP सिंह ने समिति में शामिल थे ये, इन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी और बताया जा रहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन करा जाएगा, यानी कि अंतिम साल की जो परीक्षाओं का आयोजन होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रमोट किए जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय ने हालात सुधारने पर 10 जून से परीक्षा कराने की बात कही थी। इसके तहत परीक्षा कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया था। इसके बाद शासन ने छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने और परीक्षाओं को लेकर 3 कुलपतियों की समिति की बनकर रिपोर्ट मांगी थी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब जो इस वीक में कौन से दिन में हो जाए फैसला फाइनल, तो वो आपको देखना होगा। और आप बने रहें हमारे साथ, जैसे ही फाइनल निर्णय आएगा हम आपके तुरंत जो है इसका निर्णय लेकर आएंगे। और अगर आप यूनिवर्सिटी की खबर चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम ज़रूर बताएंगे।